हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सिंपल लिफ्टिंग मशीन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सेवंथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके सिक्स प्रॉब्लम्स किए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के कुछ दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें सिंपल लिफ्टिंग मशीन का सेवंथ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा अ मशीन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 400 न्यूटन एंड 600 न्यूटन बाय एफर्ट्स ऑफ 60 न्यूटन एंड 80 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। फाइंड लॉ ऑफ मशीन एंड इफिशियंसी एट अ लोड ऑफ 800 न्यूटन इफ वीआर इज 22। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने सिंपल लिफ्टिंग मशीन का फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, वहां पे आपको सिंपल लिफ्टिंग मशीन में यूज होने वाले सभी फार्मूलेस मिल जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पहले गिवन डाटा लिखेंगे, देन आफ्टर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है अब मशीन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 400 न्यूटन एंड 600 न्यूटन। इसका मतलब यहां पे दो लोड दिए हैं, गिवन डाटा हम लिख रहे हैं। लोड को W से शो किया जाता है और एफर्ट को P से शो किया जाता है। तो यहां पे दो लोड दिए हैं, सबसे पहला जो लोड है उसको हम कहेंगे W1। तो लोड दिया है दैट इज 400 न्यूटन और जो दूसरा लोड दिया है उसको हम कहेंगे W2 और वो कितना दिया है W2, ये दिया है 600 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन में आगे पढ़ो तो आगे लिखा है बाय एन एफर्ट ऑफ 60 न्यूटन एंड 80 न्यूटन। इसका मतलब दो लोड को दो एफर्ट के थ्रू उसको लिफ्ट किया जा रहा है। दो लोड जो दिए हैं वो तो हमने यहां पे ले लिए, अब इसको लिफ्ट किया जा रहा है बाय मींस ऑफ एफर्ट। तो एफर्ट दिया है उसको हम P से शो करेंगे। तो पहला जो एफर्ट है उसको हम P1 कहेंगे और जो दूसरा एफर्ट है हम उसको P2 कहेंगे। तो पहला जो एफर्ट है वो दिया है 60 न्यूटन और जो दूसरा एफर्ट है वो दिया है दैट इज 80 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब पर्टिकुलर लोड को लिफ्ट किया जा रहा है बाय मींस ऑफ एफर्ट। तो कितना लोड लिफ्ट किया जा रहा है और कितना एफर्ट लग रहा है उसके लिए ये सब कुछ यहां पे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो आगे लिखा है फाइंड द लॉ ऑफ मशीन। इसका मतलब हमें लॉ ऑफ मशीन फाइंड आउट करना है, ये कंफर्म हो गया। और उसके बाद इफिशियंसी भी फाइंड आउट करने को बोला है, इसका मतलब हमें परसेंटेज इफिशियंसी फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में ये भी लिखा है। और ये इफिशियंसी फाइंड आउट करना है एट अ लोड ऑफ 800 न्यूटन। इसका मतलब ये जो इफिशियंसी है ये निकालना है एट अ लोड ऑफ, लोड माने W दिया है उसके लिए 800 न्यूटन और उसके लिए VR भी दिया है। VR कितना दिया है 22, VR माने वेलोसिटी रेशियो। तो फाइनली क्वेश्चन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये हमने पूरा गिवन डाटा लिख दिया है। हमें यहां पे दो चीजें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें लॉ ऑफ मशीन फाइंड आउट करना है, देन हमें इफिशियंसी फाइंड आउट करना है एट अ लोड ऑफ 800 न्यूटन बाय यूजिंग द VR ऑफ 22। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर लॉ ऑफ मशीन फाइंड आउट करना है तो लॉ ऑफ मशीन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है P=mW+C। तो हम ये इक्वेशन का यूज करेंगे। तो हम देखो यहां पे सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, ऐसा लिखेंगे वी नो दैट लॉ ऑफ मशीन, वी नो दैट लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन जो हमें पता है वो हम लिखेंगे दैट इज P=mW+C। ये हमें लॉ ऑफ मशीन का स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है। और अब हम क्या करेंगे, ऐसी दो इक्वेशंस बनाएंगे क्योंकि यहां पे दो लोड दिए हैं और यहां पे दो एफर्ट दिए हैं। तो हम ऐसी दो इक्वेशंस बनाएंगे। पहली इक्वेशन जो हम बनाएंगे वो हम ऐसा लिखेंगे P=mW1+C। ये हम पहली इक्वेशन बना रहे हैं और यहां पे P1 का वैल्यू पुट करेंगे। देखो P1 कितना है 60 है, हम लिखेंगे 60=m। W1 कितना है, देखो W1 400 है तो हम लिखेंगे 400+C। ठीक है, और यहां से एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो रहा है दैट इज m 400m, हम इसको ऐसा लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे दैट इज 400m+C=60। ये हमने एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाए, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा। तो ये हमने लॉ ऑफ मशीन का पहला इक्वेशन बनाए और अब लॉ ऑफ मशीन का सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो ये जो हमने सॉल्व किए इसको फर्स्ट कहेंगे और अब हम सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। देखो P=mW2+C हम इसको ऐसा कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 के फॉर्म में था, अब ये 2 के फॉर्म में है और यहाँ पे P2 का वैल्यू कितना है 80 है
तो हम यहां लिखेंगे 80 इक्वल्स टू एम, डब्ल्यू टू कितना है, देखो डब्ल्यू टू यहां पे 600 है, तो हम लिखेंगे 600 प्लस सी, और यहां से दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएंगे, तो ये होगा 600 एम प्लस सी इक्वल्स टू 80, इसको इक्वेशन नंबर टू दे दो। तो फाइनली हमने यहां पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बना लिए, और अब ये दोनों इक्वेशंस को हम कैलकुलेटर के साइमल्टेनियस मोड में सॉल्व करेंगे, तो हमें यहां पे m और c का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, ये देखिए हमने कैलकुलेटर ले लिए, कैलकुलेटर के यहां पे साइमल्टेनियस मोड में चले जाएंगे, और यहां पे दो अननोन जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए m का कोएफिशिएंट 400 है, हम लिखेंगे 400, c का कोएफिशिएंट 1 है इज इक्वल टू, राइट साइड में 60 है तो 60 इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन में m का कोएफिशिएंट 600 है इज इक्वल टू, c का कोएफिशिएंट 1 है और राइट साइड में है 80 इज इक्वल टू, और फाइनली हमें यहां पे दो अननोन मिल चुका है, m हमें मिल गया है दैट इज 0.1, तो हम लिखेंगे m का वैल्यू जो हमें मिला है वो मिला है 0.1, और जो c है कांस्टेंट वो हमें मिला है 20। तो फाइनली m और c हमें यहां पे मिल चुका है, और अब यही m और c का यूज करके हम लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन तैयार करेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि m और c पहले निकाला जाए, तो m और c हमने निकाले हैं, और अब ये हम इसको, ये देखिए ये जो पहला इक्वेशन था हम इसको इक्वेशन नंबर a कहेंगे, ये जो लॉ ऑफ मशीन का हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन बताए थे इसको हमने इक्वेशन नंबर ए कहा, बस ये एम और सी को ये इक्वेशन नंबर ए में पुट करो तो लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन बन जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर ए एम्प्लॉयज, दैट इज पी इक्वल्स टू एम डब्ल्यू प्लस सी, एम का वैल्यू 0.1, तो हम लिखेंगे 0.1 डब्ल्यू प्लस सी माने 20। तो फाइनली हमें लॉ ऑफ मशीन का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें यहां पे मिल गया, और अब हम यहां पे लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड लॉ ऑफ मशीन, तो हम यहां पे लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड लॉ ऑफ मशीन, ये हम यहां पे स्टेटमेंट लिख देंगे, और यहां पे प्रॉब्लम का फर्स्ट बीट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। देखो क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए कहा था, सबसे पहले लॉ ऑफ मशीन फाइंड आउट करने के लिए कहा था, दूसरा एफिशिएंसी, तो उसमें से लॉ ऑफ मशीन हमने निकाल लिए। ठीक है, पहला बीट सॉल्व हो गया, और अब सेकंड बीट की तरफ चलते हैं। सेकंड बीट में हमें एफिशिएंसी निकालना है, और एफिशिएंसी निकालने के लिए उसने इतना लोड दिया है, इसका मतलब ये जो लोड है 800, ये 800 और ये VR के लिए कितना एफिशिएंसी है वो हमें फाइंड आउट करना है, और ये फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो लोड है W, ये W का वैल्यू हम ये लॉ ऑफ मशीन के इक्वेशन में पुट करेंगे, और यहां से हम P का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमने इक्वेशन बनाए हैं ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर B कहेंगे। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे इक्वेशन B, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन B एट W इक्वल्स टू 800। देखो ये जो W का वैल्यू जो 800 दिया है, ये W का वैल्यू ये इक्वेशन नंबर B में पुट करो, जहां पे W है वहां पे। तो देखो हमने लिखा है इक्वेशन B एट W इक्वल्स टू 800, क्या होगा ये, ये होगा P इक्वल्स टू 0.1 इंटू 800 प्लस 20। ठीक है, तो फाइनली P का वैल्यू कितना आता है ये हमें यहां से सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करना काफी आसान है, इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, बिना कैलसी के भी ये आराम से सॉल्व हो सकता है। तो ये हमने यहां पे लिख दिए, और ये आ चुका है 100, तो P हमें मिल गया, कितना मिला P हमें मिल गया 100 न्यूटन, P इट मींस एफर्ट, हमें यहां पे एफर्ट का वैल्यू पता चल गया, जो लोड दिया था 800 न्यूटन, ये देखिए ये जो लोड है 800 न्यूटन, इसको लिफ्ट करने के लिए कितना एफर्ट लग रहा है, तो 100 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है, ये कंफर्म हो गया। और अब हमें परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला हम यहां पे लिखेंगे परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला है, यहां पे हम लिखेंगे MA by VR इनटू 100, ये परसेंटेज एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड फार्मूला है। हमने फार्मूलेस जो भी है सिंपल लिफ्टिंग मशीन के सभी फार्मूलेस फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, तो आप फर्स्ट लेक्चर यहां से स्टडी करिए, पूरे फार्मूलेस आपको मिल जाएंगे। एफिशिएंसी का फार्मूला MA by VR इनटू 100, अब यहां पे VR तो दिया हुआ है, देखो VR जो है 22 वो दिया हुआ है, वो हम यहां पे लिख सकते हैं, लेकिन MA का वैल्यू नहीं दिया है। MA मतलब क्या, MA मतलब मैकेनिकल एडवांटेज, तो ये वैल्यू नहीं दिया है, कोई बात नहीं, तो हमें MA अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो MA हम फाइंड आउट करेंगे, MA फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है W by P, तो हम एक काम करेंगे, अलग से फाइंड आउट करने के बजाय हम इसी में फाइंड आउट करेंगे। तो देखो फाइंड आउट करना कितना आसान है, ये परसेंटेज इफिशियंसी को हम यहां पे ऐसा लिखेंगे परसेंटेज एन
इक्वल्स टू, देखो ये जो MA है, MA मतलब होता है W by P, ये देखो ये हमने इसको ऐसा लिखे W by P और डिवाइडेड बाय VR into 100, हम इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है, ओके। ये स्टेप समझ लो, ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। देखो MA by VR, जो डिनोमिनेटर में जो VR है वो एज इट इज है, बस जो न्यूमरेटर में MA है, MA के जगह हमने W by P लिखे, क्योंकि MA का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है W by P, ठीक है। तो यहां पे हमने W और P का वैल्यू अब हमें पुट करना है। W का वैल्यू क्या है, ये देखो एफिशिएंसी जो हमें निकालना है वो इतने W पे निकालना है, तो ये हम W यहां पे लिखेंगे कितना 800 डिवाइडेड बाय, अब ये जो W है ये W के लिए कितना P है तो वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये देखिए ये W के लिए इतना P है, कितना 100 है, तो हम यहां पे P का वैल्यू लिखेंगे 100, ठीक है। और VR का वैल्यू कितना है, VR का वैल्यू 22 है, क्योंकि VR तो प्रॉब्लम में ही दिया है, ये देखो 22। और अब हमने ये VR लिखने के बाद इन 200 करेंगे, और अब बस ये इसको कैलकुलेटर में हमें सॉल्व करना है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी हमें मिल जाएगा। तो ये 800 बाय 100 कितना 8, तो 8 बाय 22 इनटू 100 करना है, तो ये हम करेंगे कैलकुलेटर में, कितना 8 बाय 22 और बाहर में इनटू 100, तो ये आ चुका है दैट इज 36.363। तो हम लिखेंगे दैट इज 36.363%, ये हमें परसेंटेज एफिशिएंसी यहां पे मिल गया, और परसेंटेज एफिशिएंसी मिल गया इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने यहां फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द लॉ ऑफ मशीन, तो ये सबसे पहले हमने लॉ ऑफ मशीन फाइंड आउट किए, देन हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करना था, तो ये एफिशिएंसी भी हमने फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था सिंपल लिफ्टिंग मशीन का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।